हेलो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को एक ऐसा स्टॉक बताने जा रहा हूँ जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। दोस्तों, निफ्टी कम से कम 25% के आसपास गिर चुका है, लेकिन दोस्तों वो स्टॉक में अभी अराउंड 8 से 10% ही गिरावट हुआ है। और किसी भी स्टॉक को आप देख लो तो दोस्तों मोर देन 40%, कुछ तो ऐसे हैं जो 50% भी गिरावट हो चुका है, लेकिन वो स्टॉक दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वो कंपनी है दोस्तों पिडिलाइट इंडस्ट्री। अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस आपके सामने है, देख सकते हो दोस्तों 1523 के आसपास। आपको पता है दोस्तों निफ्टी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, आपको तो खुद ही पता है अराउंड 26% के आसपास निफ्टी गिर चुका है दोस्तों। लेकिन ये स्टॉक में कितना नुकसान हुआ है वो आप देख सकते हो दोस्तों। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो मोर देन 50% गिर चुका है दोस्तों। ये स्टॉक यहाँ पर देख सकते हो 1700 का हाईएस्ट बनाया था, उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पर देख लो 1400 के आसपास नीचे निचले स्तर में इन्होंने 1400 के आसपास लोअर लेवल बनाया। उसके बाद दोस्तों ये अब जो अभी स्टॉक है 1500 से भी अबव है, मतलब कि दोस्तों ये स्टॉक अराउंड 8 या 10% के आसपास से गिरा। ठीक है, तो 8 या 10% गिरा दोस्तों, उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। ऐसे बिना अगर मान लो कि निफ्टी ज़्यादा क्रैश नहीं भी होता है तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो गिर जाते हैं। एग्जाम्पल में IRCTC ले लो दोस्तों, 2000 पहुंच चुका था, लेकिन आज के में कहाँ है, 1200 के आसपास तो है। ठीक है, 1200 के आसपास वो बहुत ज्यादा गिर चुका। तो ये वो कंपनी है दोस्तों। कौन सी कंपनी है मैं आपको बता देता हूँ, इसका काम क्या आज क्या है। ठीक है, ये दोस्तों ग्लू बनाती है, ठीक है, रबड़ ग्लू भी बनाती है, ऐसे भी जितने भी टाइप के ग्लू है दोस्तों, ये ऐसे गम बनाने वाली कंपनी है, तो उसमें बहुत ज्यादा ये इंगेज है। ठीक है, और इसका जो बिजनेस दोस्तों वो बहुत ज्यादा स्केल अप किया है। अगर मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, कंपनी की ग्रोथ कितना ग्रोथ है वो खुद आप देख के बता सकते हो दोस्तों। 10 सालों में इसने बिना डिविडेंड और बिना बोनस का, ठीक है, बिना डिविडेंड और बोनस और स्टॉक स्प्लिट किए हुए अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक कितना गुना पैसा कर दिया पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो ये स्टॉक कम से कम 10 साल पहले दोस्तों 2010 के आसपास 100 रुपये में मिलता था। ठीक है, ऑनलाइन कितना दोस्तों 100 रुपीज़ में मिलता था, लेकिन आज के डेट में ये कितना हाइएस्ट बना रहा है दोस्तों, 1700। मतलब कि दोस्तों ये आपका पैसा अराउंड 17 × 17 कर दिया, 16 गुना कर दिया, 17 टाइम आपका ये जो है पैसा कर दिया, वो भी अराउंड जस्ट 10 ईयर्स में, विथआउट क्या, डिविडेंड बोनस और स्प्लिट। अगर डिविडेंड और बोनस अगर आप इसमें ऐड कर लोगे तो और भी अच्छा आपको रिटर्न निकल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, जैसे ही कोरोना वायरस खत्म होगा, देखिए निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरने के बावजूद भी ये स्टॉक में गिरावट नहीं हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गिरावट नहीं होगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ही दोस्तों कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, आपको जो है जब मार्केट स्टेबल होना स्टार्ट होगा, बॉटम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको ये कंपनी खरीदना है। देख लो पीडीलाइट इंडस्ट्री, यहाँ पर करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है दोस्तों 1523 के आसपास चल रहा है। मतलब इतना ज़्यादा खरीदना कि दोस्तों आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो। ठीक है, क्योंकि दोबारा मौका तो मिलता नहीं है, तो जब मौका मिलता है तो दोस्तों अच्छे से उसको यूटिलाइज करना है, यूज़ नहीं करना है, यूटिलाइज करना है। तो दम भर खरीदना है, प्रॉफिट भी अच्छे तरीके से बनाना है ताकि आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिल पाए। तो अब डिस्कस कर लेते हैं डिविडेंड बोनस और स्टॉक कितने बार स्प्लिट हुआ है उसको देख के। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ को यूज़ किए हुए अगर हमारा पैसा अराउंड 15 या 16 टाइम हो जाता है, तो दोस्तों डिविडेंड अगर मिलता है, सबसे पहले डिविडेंड देख लेते हैं, तो दोस्तों डिविडेंड देने में कंपनी बहुत आगे है, बहुत आगे है। आप देख सकते हो अराउंड 700 के आसपास ये डिविडेंड ही दे रहा है, अराउंड 700 के आसपास। स्टॉक का प्राइस कितना है आप खुद ही देख लो, कितना प्राइस है दोस्तों, अराउंड 1500 के आसपास है, लेकिन आपको ये कितना दे रहा है डिविडेंड दोस्तों, अराउंड अगर देखोगे तो 50% के आसपास डिविडेंड दे देता है। अगर हिसाब से मतलब एक अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देख रहे हैं, ठीक ना, एक छोटा सा कैलकुलेशन बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर साफ साफ बोलूँ तो, कि ये कंपनी डिविडेंड भी आपको अच्छा से अच्छा देती है। ठीक है, और यहाँ देख लो सबसे पहले दोस्तों, सबसे ये 5 ईयर का डेटा है आपके सामने। ठीक है, 2016 में 50 दिया, 2017 में कितना दिया 475 दिया, 2018 में 600, यहाँ 2019 में 650, और 2020 में तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 700 का ऐलान किया। तो ये होता है दोस्तों कंपनी जो आपको सीधा करोड़पति बना के छोड़ेगी, कुछ भी हो जाए दोस्तों। उसके बाद बोनस देख लेते हैं। ठीक है, बोनस, ओ माय गॉड, ऐसा बोनस देने वाला कंपनी कभी लाइफ में नहीं मिलेगा। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, लाइफ मिल जाएगा, बोलते हैं भगवान
के हिसाब से बोलते हैं लोग कि 7 जन्म होता है, लेकिन दोस्तों स्टॉक में दूसरा मौका नहीं मिल सकता स्टॉक मार्केट में, क्योंकि देख लो ये कंपनी ने 1:1 इन्होंने दिया है दोस्तों बोनस दिया। आप समझ सकते हो अगर किसी के पास 100 स्टॉक होंगे तो 100 से क्या हो गया 200, जब फर्स्ट टाइम बोनस दिया तो 200, अब जब सेकेंड टाइम दिया तो दोस्तों कितना हो गया 2 × 2 कितना 400 के आसपास हो गया दोस्त, और फिर यहाँ पर देख लीजिए 800 के आसपास, तो दोस्तों बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट हो गया होगा। तो ऐसी कंपनी पे आपको फोकस करना चाहिए जो 10 = 1 हो, इतना अच्छा आपको रिटर्न मिले, ठीक है। स्टॉक स्प्लिट हुआ है दोस्तों 1 टाइम देख लीजिए, स्टॉक जो है स्प्लिट भी हुआ है, तो ऐसा कंपनी आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। और डिप देख मतलब कि देख लेते हैं कंपनी पे कितना कर्ज है, तो 0 0 भाई 0, मतलब मैं बोल रहा हूँ दोबारा बोल रहा हूँ ऐसा कंपनी नहीं मिलेगा। कंपनी पे कर्ज देख लेते हैं तो 0 0 देख लीजिए 0, और कंपनी का टोटल असेट देख लेते हैं तो भाई कमाल की कंपनी है, टोटल असेट देख लीजिए, टोटल असेट के मामले में तो यहाँ पर देख सकते हैं 4186 के आसपास। देखो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि मैंने जो स्टॉक आपको दिया है वो वैल्यूएबल है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको एक लाइक करने से नेक्स्ट टाइम में और भी अच्छा से अच्छा वीडियो बना के लाऊंगा। और हाँ दोस्तों, मैंने ऐसी 2 वीडियो अपलोड मारी हैं, एक वीडियो में मैंने बताया कि आपके पास अगर ऐसे स्टॉक है तो बेच के निकल जाओ, वो आपको डुबा के छोड़ देंगे भाई, छोटे आदमी हो डुबा के छोड़ देगा। तो अगर आपने वैसे स्टॉक को खरीदा है तो निकल जाओ, मेरे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।